हेलो दोस्तों मैं बीजेस कुमार आपका अपने चैनल एन सी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों देखिए दोस्तों इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों ये बीसों के बीसों क्वेश्चन है दोस्तों एकदम एकदम स्टार लगा लीजिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन का लेवल देखिए तब कहिए कि क्वेश्चन कैसे है ठीक ना एकदम बीस क्वेश्चन है दोस्तों कोशिश की इसमें कि आपके पंद्रह क्वेश्चन एकदम सही हो जाए ठीक ना और क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है एकदम पूछ एकदम पूछने वाले क्वेश्चन लिया लिया हूँ दोस्तों आज चलिए दोस्तों देखते हैं इक्कीस नंबर से ठीक ना मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी ऑप्शन है दोस्तों उन्नीस सौ पाँच कि उन्नीस सौ छः कि उन्नीस सौ सात कि उन्नीस सौ आठ क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इक्कीस का आंसर क्या हो जाएगा तो उन्नीस के आंसर याद हो कर लीजिएगा छक्का छक्का यानी छः रन ठीक ना तो उन्नीस सौ छः में दोस्तों की गई थी उन्नीस सौ पाँच उन्नीस सौ छः में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो याद रखिएगा उन्नीस सौ छक्का छक्का याद रखिएगा उन्नीस सौ छः ठीक ना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बाईस नंबर बाईस नंबर क्वेश्चन है अब देखिए उन्नीस का मैंने कुछ बताया नहीं स्टार लेकिन बाईस अगर पढ़ेंगे दोस्तों उन्नीस कर रहे हैं इक्कीस का मैंने स्टार नहीं बताया तो बाईस अगर पढ़ेंगे तो आपको स्टार इसमें मिल जाएगा देखिए क्या कर रहा है कि मुस्लिम लीग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य है पहला देखिए ऑप्शन कह करे कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई कहाँ की गई ढाका में दूसरा ऑप्शन है कि इसके संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त तो सभी क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से कौन सा सत्य है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बाईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी है तो यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन मिल गए दोस्तों कि एक संस्थापक अध्यक्ष कौन थे सलीमुल्ला थे कहाँ की गई ढाका में आ ये दोस्तों आ, इसका उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना था ठीक है ना राजनीतिक अधिकारों की अगला देते हैं तेईस नंबर दोस्तों देखिए तेईस क्वेश्चन देखते हैं सूची एक है और दो है उसको मिलान करना है इधर दिया संवैधानिक सुधार इधर दिया है सुधार का कार्यक्रम यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों एक ही एक ही हेतु से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है ना यहाँ से देखिए दोस्तों इधर दिया है पार्लियामेंटो सुधार उन्नीस सौ नौ फिर मान टेगू चेंड सुधार उन्नीस सौ उन्नीस प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतीय स्वायत्त मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ठीक ना थोड़ा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अपने गुरु में शेयर कीजिए कि की मदद हो तो मैं आपके लिए कुछ और अच्छी व्यवस्था कर सकूँ ठीक ना उन्नीस का सुधार एक्ट पृथक निर्वाचक मंडल कृप्स सुझाव संविधान सभा की स्थापना इधर दिया ये ऑप्शन ठीक ना तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका तो देखिए दोस्तों एक तो एक क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था उन्नीस सौ नौ में एक क्वेश्चन ये याद रख लीजिएगा मॉन्टेगू चोन्सफोर्ट कब हुआ था आया था उन्नीस सौ उन्नीस में उन्नीस सौ उन्नीस में चलिए देश को मिलाते हैं दोस्तों देखिए मार्ले मिंटो सुधार उन्नीस सौ नौ बी ऑप्शन क्या दे रहा है दोस्तों बी ऑप्शन दे रहा है कि मांटेगू चेंज ऑफ फोर्ट उन्नीस सौ उन्नीस तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन मान्टेगू चेंज फोर्ट सुधार अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था ठीक है तो बी का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा देखते हैं बी का पहला किस किसमें बी का पहला बस एक ही ऑप्शन है दोस्तों तो पहले का तीन हो जाएगा बी का एक हो जाएगा सी का दो हो जाएगा डी का चार हो जाएगा ठीक न चलिए मिला लेते हैं तो ए का तीन और सी का दो तो ए का क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा तीन ठीक ना ये हो जाएगा ए का तीन हो जाएगा आ, और सी का हो जाएगा दो उन्नीस का सुधार आ, 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 एक्ट प्रांतीय स्वायत्त और डी का यही हो जाएगा कृषि सुझाव संविधान सभा की स्थापना ठीक ना तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौबीस नंबर देखते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन है चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था महत्वपूर्ण है कि मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था ऑप्शन दोस्तों मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए मताधिकार प्रांत भारत की एकता को खंडित करना उपयुक्त तो में सही उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा दोस्तों चौबीस कैंसो तो चौबीस कैंस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी हो जाएगा मार्लियामेंटो सुधार जो आया था उसका उद्देश्य था अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए मताधिकार के लिए और भारत की एकता को खंडित करना ये सभी इसका उद्देश्य था ठीक ना? 25 पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पच्चीस नंबर पच्चीस नंबर है कि उन्नीस सौ ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के लिए भारत के वायसराय थे यानी जो दिल्ली दरबार हुआ था, था दोस्तों उन्नीस में उसके वायसराय कौन थे उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कौन दोस्तों इस वीडियो से आपको क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण मिलेंगे इसको ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है लॉर्ड मेंटो लॉर्ड इरविन लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड लिटन अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर बताइएगा आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इसका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा ठीक ना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों छब्बीस नंबर छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है क्या सही है दिल्ली दरबार के संबंध में अगलग देखते हैं ऑप्शन कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया बंगाल से अलग बिहार का नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई बिहार का एग्जाम एग्जाम देने जाने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई ऑप्शन डी है कि उपरोक्त तो सभी उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा दोस्तों छब्बीस का आंसर क्या हो जाएगा छब्बीस का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा ठीक ना यहाँ से तीन क्वेश्चन आपको मिल गए कि दिल्ली दिल्ली दरबार के दिल्ली दरबार के संबंध में क्या सही था तो सभी सही थे इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया ठीक ना बंगाल से अलग बिहार नया प्रांत बना दिया गया ठीक ना और दिल्ली और भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई अगला देखते हैं दोस्तों सताईस नंबर सत्ताईस नंबर की दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी ऑप्शन है बम्बई मद्रास कलकत्ता शिमला क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सत्ताईस का सी हो जाएगा भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी उसके बाद क्या कर दी गई दिल्ली बना दी गई ठीक ना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अट्ठाइस नंबर अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिल्ली विधुवत भारत की राजधानी बनी महत्वपूर्ण है कि विधुवत राजधानी कब बनी दिल्ली 1911 में 1912 में 1914 में उन्नीस सौ में क्या हो जाएगा अट्ठाईस का आंसर दोस्तों अट्ठाईस का आंसर हो जाएगा उन्नीस में विधुवत रूप से बन गई ठीक ना अगला देते हैं क्वेश्चन उनतीस नंबर उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के पर किसी ने बम फेंका था हैं दोस्तों इस वीडियो से एकदम आपको क्वेश्चन जबरदस्त मिलेंगे ठीक ना तो किसी ने फेंका था उनतीस का ऑप्शन है रास बिहारी बोस द्वारकानाथ बोस खुदीराम बोस के प्रफुल चाकी क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन भी जबरदस्त जबरदस्त है एकदम आपकी गलती करने की संभावना है ठीक ना तो उनतीस का क्या हो जाएगा आंसर तो उनतीस का हो जाएगा रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस ने दोस्तों बम फेंका था लॉर्ड हॉर्डिंग पर ठीक ना महत्वपूर्ण है याद रखेगा किस पर फेंका था ये भी याद रखेगा लॉर्ड हॉर्डिंग पर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड उन्नीस ईस्वी में तरुण क्रांतिकारी को फांसी दी गई किस तरुण क्रांतिकारी यानी किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई ये कह रहा है ठीक है न मुजफ्फरपुर बम बांका, बम कांड में ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि प्रफुल्ल चाकी दामोदर चापेकर वी डी सावरकर की खुदी राम बोस क्या हो जाएगा थोड़ा सा धुंधलापन है दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना तो तीस का क्या हो जाएगा आंसर तो खुदी राम बोस हो जाएगा खुदी राम बोस हो जाएगा ठीक ना खुदी राम बोस को दोस्तों फांसी दी गई मुजफ्फरपुर बम कांड में मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था ये भी याद रखेगा उन्नीस सौ आठ में हुआ था ठीक ना अगला क्वेश्चन देखते हैं तीस हो गया इकतीस देखते हैं इकतीस नंबर की गदर पार्टी के संस्थापक थे गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे ऑप्शन है दोस्तों आपके पास रास बिहारी बोस मैडम भिकाजी कामा लाला हरदयाल की तुल्ला। क्या हो जाएगा दोस्तों इकतीस का तो इकतीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी ठीक न आप अगर सर्च मारेंगे दोस्तों तो एक और आपको नाम मिलेगा सोहन सिंह भाकना सोहन सिंह भाकना एक नाम मिलेगा ठीक ना तो सोहन सिंह भाकना ने दोस्तों ये गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे ठीक ना ये भी याद रखेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं रहे तो सोहन सिंह भाकना आप मार सकते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा पी सही है ठीक ना बत्तीस नंबर देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में कि बैंको बैंकूअर में कि टोरंटो में क्या हो जाएगा बत्तीस आंसर दोस्तों तो बत्तीस आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में ठीक ना सें फ्रांसिस्को में दोस्तों डेट भी याद रखिएगा पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ तेरह पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ तेरह को स्थापना की गई थी गदर पार्टी की लाला हरदयाल के द्वारा ठीक है अगला देखते हैं दोस्तों तैंतीस नंबर तैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज के संस्थापक थे कौन थे फिरोजा मेहता अरविंद घोष सुरेंद्र नाथ मुनर्जी गोपाल किच गोखले क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों 33 का आंसर हो जाएगा गोपाल किस गोखले थे गोपाल के से गोखले 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अगला देते हैं कामा गाटा मारू क्या था महत्वपूर्ण है कि कामा गाटा मारू क्या था एक जापानी जहाज था कि एक अमेरिकी बंदरगाह था कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त घातक शस्त्र था कि प्रवासी भारतीयों किस जापानी संस्था थी क्या हो जाएगा चौंतीस अब मेरा वीडियो देखते होंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है एक ये क्वेश्चन केवल ये क्वेश्चन ठीक ना? है चौतीस का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक जापानी जहाज था क्या था जापानी जहाज था तो अगला देखते हैं पैंतीस नंबर कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा गया था किसे कहा गया था दोस्तों ऑप्शन है एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक मोहम्मद अली जीना की महात्मा गांधी पैतीस का क्या हो जाएगा तो पैंतीस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मोहम्मद अली जीना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया 36 है ठीक ना छत्तीस देखते हैं दोस्तों छत्तीस नंबर है कि वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया उसका नाम पूछ रहा है महत्वपूर्ण है कि वो कौन था तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया ऑप्शन है लाला हरदयाल अंबिका चरण मजूमदार गोपाल कृष्ण गोखले वो कि बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा का आंसर तो ये तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा का आंसर तो का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ठीक है ना बाल गंगाधर तिलक कभी भी, भी अध्यक्ष नहीं बन पाए अगला क्वेश्चन देखते हैं सैंतीस नंबर ये कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था महत्वपूर्ण है ये कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी अठारह में तो उस समय वायसराय कौन था भारत का आप समय दोस्तों आपके पास लॉर्ड डॉफरीन लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड रिपोर्ट लॉर्ड एलन बटरो क्या हो जाएगा दोस्तों सैंतीस का आंसर होता तो है सैंतीस का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डॉफरिन हो जाएगा लॉर्ड डॉफरिन हो जाएगा ठीक ना अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों और नंबर ये गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महत्वपूर्ण की राजनीतिक गुरु किसे मानते थे गांधी जी अपना ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लाल ला, ला लाजपत राय सी एफ एंड्र्यूज ये गोपाल कृष्ण गोखले के लियो टास्टाई क्या हो जाएगा अड़तीस का आंसर दोस्तों तो अड़तीस का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को ठीक है ना गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे अगला क्वेश्चन देखते हैं उनतालीस नंबर बस एक क्वेश्चन आ गया कामागाटू मारू घटना कब हुई थी जो एक जापानी जहाज जा था दोस्तों तो कामागाटू कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी ये पूछ रहा है 1911 में 1912 में 1913 में उन्नीस सौ में क्या हो जाएगा उनतालीस का आंसर दोस्तों उनतालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1914 में ठीक है उनतालीस का डी हो जाएगा अगला देखते हैं चालीस नंबर कि सत्याग्रह सभा की स्थापना उन्नीस ईस्वी में की गई थी इसके संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी थे कि फिर से हम बता कि सौ कतल थे कि लिया कतल थे क्या हो जाएगा चालीस का आंसर दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है तो चालीस का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी दोस्तों इसके संस्थापक थे ठीक ना उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज तो अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपना स्कोर भी बताइए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद दोस्तों